भगवान है कहाँ रे तू। नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, कौन सही कौन गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भ्रामक न्यूज से दूर रहें, अपडेटेड रहें, जागरूक रहें, सजग रहें और सतर्क रहें। सोशल मीडिया का जमाना है, कब क्या वायरल हो जाएगा कुछ पता नहीं। अब ये न्यूज वायरल होते हुए आया कॉमन काउंसलिंग, और उधर कुछ लोगों को ये आर्टिकल मिला और उस पर वीडियोज बना के ये सामंजस्य खड़ा कर दिए, ये भ्रम पैदा कर दिए कि अब क्या होगा आगे। तो फाइनली जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो बस वीडियो बनाते हैं, कम से कम उन्हें ये भी क्लियर करना चाहिए कि क्या प्लेटफॉर्म पे प्रिंट हुआ है, किस प्लेटफॉर्म पे प्रिंट हुआ है, क्यों प्रिंट हुआ है, किस आर्टिकल को प्रिंट किया गया, कब प्रिंट किया गया, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। इन तमाम चीजों पे भी बातें जरूर होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं दोनों एनालिसिस करूंगा और वो भी जो दो आर्टिकल्स मुझे मिले उन दोनों आर्टिकल्स के बेसिस पे करूंगा। ये वाला काम नहीं करता कि हाँ बस व्यूज पाने के लिए वीडियो बना के हाथ खड़ा कर दो, नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली आप पूरे वीडियोस देख के यूट्यूब पे बाकी दूसरों का मेरे पास ही आके कहीं ना कहीं कॉमेंट करने लगोगे, सर बताओ ये क्या चल रहा है, जैसा कि मुझे वीडियो बनाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के ही कॉमेंट्स मिले कि सर इस तरीके से बातें हो रही हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये पूरी कॉमन काउंसलिंग जो CUTPG में होने की संभावनाएं हैं या नहीं है, पूरा ऑलमोस्ट डिस्कशन होने वाला है और इसके हर एक एस्पेक्ट हम लोग समझेंगे और ये कब से न्यूज में आया और आगे इसका क्या फ्यूचर है इस चीज को भी समझेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग में अभी मेरे अप्रोक्स वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि उसमें जो कॉन्टेंट है बहुत बढ़िया है। कट ऑफ भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑफिशियल रेफरेंस से है और बहुत सारे वीडियोस में यहाँ के ऑफिस में पता करके आपको दे रहा हूँ, यानी ग्राउंड रिपोर्टिंग, ऑफिशियल ग्राउंड रिपोर्टिंग। और इस न्यूज का भी मैं ऑफिशियल ग्राउंड रिपोर्टिंग 2 दिन में करने वाला हूँ। तो आइए एनालिसिस करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग आइए दो आर्टिकल को पढ़ते हैं, कौन सही और कौन गलत। ये दो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, इनके वेब पोर्टल है। एक पे प्रिंट होता है 3 अप्रैल को, ये वाला अमर उजाला पे, कौन सी डेट है 3 अप्रैल 2024, और जस्ट इसी के बगल में एक और है, ये न्यूज 18 पे पब्लिक हुआ है और ये है 6 अप्रैल 2024 को, न्यूज 18 यहां लिखा हुआ है, न्यूज 18 हिंदी, दोनों के वेब पोर्टल पे ये अपडेट हुआ। दोनों के अलग अलग लाइनें हैं, यहां बात की जा रही है कॉमन काउंसलिंग की और यहां बात की जा रही है BHO CAC यानी न्यू एडमिशन कमेटी का। अब यहां बच्चों का कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाएगा कि भाई 3 दिनों में BHO के बदलाव कैसे हो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं BHO यहां तक स्टैंड ले लिया कि कॉमन काउंसलिंग, मतलब यहां बात BHO के पास नहीं रह गई, यहां पे JNU DU और HU की भी बात हो गई। कहने का मतलब यह है कि अपने आप में एक पूरे नेशनल लेवल पे चेंजेस नजर आने लगा। अब मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूं, बहुत पहले की बात है, जब 2023 वाला काउंसलिंग कंप्लीट हो रहा था तो वहां पे एंड ऑफ द काउंसलिंग यानी जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा, जब बात पेमेंट वाली आने लगी, कई जगहों पर हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, तो एम जगदीश कुमार जी जो UGC के चेयरमैन करंट में है, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया न्यूज पे कि हम लोग काउंसलिंग जो है वो कॉमन करेंगे नेक्स्ट ईयर। अब वो बातें जब हुई थी तब मैं भी वीडियो बनाया था कि BHO ऐसा कर सकता है, JNU ऐसा कर सकता है, DU ऐसा कर सकता है कि ये लोग कॉमन काउंसलिंग के थ्रू अपने एडमिशन कराएं। ये चीजें बहुत पहले ही वायरल हो चुकी थी, लेकिन उसमें समय मांगा गया था, मतलब हम भविष्य में ऐसा करेंगे, और इस पूरे 1 साल के पीरियड में, मतलब 1 साल पूरा नहीं, लगभग 9 महीने के पीरियड में दोबारा इस पे बात नहीं हुआ है। एमजे कुमार जी के मैं पोर्टल को चेक कर रहा था कॉमन काउंसलिंग को लेके कि हाँ ये तैयारी हमारी बहुत जोरों शोरों पे है, इसको लेके कोई अपडेट अभी एमजे कुमार जी की तरफ से नहीं आया। उसी समय बात हुई थी, अभी बात एमजे कुमार जी ने क्यों की होगी इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसका एक कारण बताता हूं, रीजन, क्योंकि बच्चों के कंप्लेन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा थे कि आप पैसे कमा रहे हो, और जो बच्चे एडमिशन कैंसिल करा रहे थे उनकी सीट वहां पे वैकेंट जो हो जा रही है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और उनका पैसा वहीं फंसा रहा जा रहा था। तो मतलब एक पेमेंट आपका फंस रहा है, सीट खाली हो जा रही है और बच्चा कई जगहों पे फीस पे कर रहा है, और ये सोशल मीडिया पे उनके यहाँ नीचे टैग होने लगे थे, बच्चों लगे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर इस तरीके की चीजें आप क्यों कर रहे हो। तो भाई एक तरह से मीडिया में आके ये अपना एक बयान देके अपना हाथ उठाने की तरह हो गया कि हम लोग कॉमन काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे जो है थोड़ा रिलैक्स फील करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और कॉमन काउंसलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है,
ऑलरेडी देखा जाए तो जेई में होता ही है, नीट में होता ही है, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे कॉमन काउंसलिंग तो होता ही है, तो सीयूईटी के लिए बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सीयूईटी में वर्सेटाइल कोर्सेज है, बहुत वर्सेटाइल है, और कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स है, कहीं नहीं भी, और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में वो ऑनर्स के रूप में, कहीं प्रोग्राम के रूप में, मतलब इतने वर्सेटाइल कोर्सेज हैं कि ये कॉमन काउंसलिंग के लिए बहुत इमीडिएटली पोर्टल बनाना बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, एग्जाम बहुत पहले करा लिए, अभी इनके पास बहुत समय है, तो तमाम चीजें जो है ये डिस्कशन रही है। अब ये आर्टिकल क्यों वायरल हुआ? क्योंकि करंट के जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन BHU के हैं एनके मिश्रा सर, कहीं ना कहीं ये लोग अपने लेवल पे भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, जो एक कॉमन एडमिशन का जो बात कही गई है, कॉमन एडमिशन UGC के चेयरमैन का स्टेटमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो यूनिवर्सिटीज के VCs होंगे वो इसे डिकोड करेंगे। लाइक क्या कि सर अगर आप कॉमन काउंसलिंग ले आते हो तो वी एक्सेप्ट इट, हम लोग इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉमन काउंसलिंग गोइंग टू हेल्ड। भाई ये कब हेल्ड होगा इसको लेके न्यूली कोई अपडेट नहीं है। तो इस तरीके से मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कॉमन काउंसलिंग के नाम पे बच्चे जो अपना एक अवेयरनेस लेके बैठे हुए हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, वो थोड़ा रिलैक्स ना फील कर जाए, ओ कॉमन काउंसलिंग तो होगा ही, एक रजिस्ट्रेशन कर देंगे, एडमिशन तो मिल ही जाना है, ये वाला थॉट डिलीट करना है माइंड से, क्योंकि इसी पे तो मैं मेहनत कर रहा हूं इतने दिनों से कि भाई आप अपडेटेड रहना, आप देखो कहां कहां रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अब महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया, कॉमन काउंसलिंग होता तो उसमें नहीं जाता, और ये कॉमन काउंसलिंग अगर ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बस चार के लिए बात कर रहे हैं, BHU, JNU, DU और HU के लिए बात कर रहे हैं। एक महीने का समय है, अबाउट 30 डेज मान लो इनके पास ऑलमोस्ट, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स BHU में होने वाला है, बाकी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, जस्ट इस एग्जाम के बाद ये क्लियरिफाई करना ही पड़ेगा कि ये कॉमन एडमिशन होगा या नहीं होगा, और इसको लेके बीच में जरूर ये क्लियरेंस आ जाएगा ऑफिशियली MJ कुमार जी की तरफ से भी, UGC की तरफ से भी, या यूनिवर्सिटीज के VC की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट है कॉमन काउंसलिंग का, ये होता है हमारे भले के लिए होगा, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इस तरीके से कि हाँ कॉमन काउंसलिंग होने जा रहा है, तो बच्चों को रिलैक्स नहीं होना, ऐसे YouTube वीडियोस को ना देख के रिलैक्स हो जाना, क्योंकि ऐसे मैंने थंबनेल देखी कि कॉमन काउंसलिंग होने जा रहा है, राहत, कोई राहत बात नहीं है, इतनी जल्दी अपडेट करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ध्यान दो कि जैसे चल रहा है या लाइक के अपडेटेड रहो, यूनिवर्सिटीज को लेके वो अपडेट रहना, बाकी कॉमन काउंसलिंग आता है तो हम लोग बहुत अच्छे से इस पे भी काम करेंगे। अब मेरे साइड से ये है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरे बहुत सारे वीडियो जो है ना वो ऑफिशियल है, मतलब कि मैं जाके बात करके, जैसे ये वाली जो बात थी कि सामर्थ्य इस बार पोर्टल पे काम करने वाला है, आपने देखा होगा इस आर्टिकल की वेरिफिकेशन के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गया था, मतलब BHU कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जाके मैं वहां बात करके वीडियो बना के दिया। तो इस तरीके से अब इस वाले पे जो भी बयान इनका आया हुआ है, मैं आपको 2 दिनों में वीडियो दे दूंगा ग्राउंड रिपोर्टिंग की, BHU ने कॉमन काउंसलिंग को लेके जो स्टेटमेंट दिया है वो कहां तक वेरीफाई है और इस पे किस तरीके काम चल रही है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज की मीटिंग हो रही है, यानी जो UGC लेवल पे मीटिंग हो रही है जिसमें कंट्रोलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप VC या रजिस्ट्रार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग उस मीटिंग में क्या बातें कर रहे हैं, क्या वहां पर डिस्कशन चल रहा है, ये बात भी मैं निकाल के लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, मैं उम्मीद करता हूं मेरे हर वीडियोस को आप देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, और हां प्लीज ध्यान देना जो भी वीडियोस आता है विलाकन प्रेस को लो देखना जरूर। तो ये जो अब भ्रम है इसको आप दूर कर लो, कॉमन काउंसलिंग की बात 1 साल पहले की गई थी, लेकिन अभी करंट में इस पे कोई डिस्कशन नहीं है थ्रू आउट द एनी ऑफिशियल सोर्सेज लाइक UGC एंड चेयरमैन MJ कुमार जी के थ्रू, बस ये बहुत पहले की डिस्कशन थी। मैं बता दिया क्यों डिस्कशन था, क्योंकि बच्चे बहुत कंप्लेन कर रहे थे, ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत वर्सेटाइल कोर्सेज है तो इमीडिएटली इसे इंप्लीमेंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए BHU अपने एडमिशन कमेटी पे काम करना शुरू कर दिया है, आपको पता ही होगा। तो दिमाग में बैठा के चलो कि ये चेंजेस अगर होता है तो पॉजिटिव चेंजेस है, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये मैं आपको बता दूंगा कमिंग 2-3-4 डेज में। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। हर हर महादेव।